हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। आज डिस्कस करने वाली हूँ 104 इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धातु ढलाई की कितनी विधाएं हैं? टोटल 4, 8, 6 या फिर 3। धातु ढलाई जिसे बोलते हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग, उसके टोटल 3 विधाएँ कौन कौन सी? पहला है सैंड कास्टिंग, सेकंड है डोगरा कास्टिंग और थर्ड है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। टोटल 3 प्रोसेस है धातु ढलाई, दैट मींस ब्रॉन्ज कास्टिंग के। हिगल का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, जर्मन, यूनान या फिर इटली? हिगल का जन्म हुआ था जर्मन में। हिगल ने ललित कलाओं को, विश्व की कलाओं को 3 भागों में बांटे थे, जिसमें था सिंबॉलिक, क्लासिक और रोमांटिक, सिंबॉलिक में हिगल ने रखा था प्रतीकात्मक चिन्ह लाइक पिरामिड, ठीक है। पिरामिड बहुत फेमस रहा है गीजा में, इजिप्ट का पिरामिड को इन्होंने सिंबॉलिक में रखा। सेकंड है क्लासिक, में ग्रीक के स्कल्प्टर, ग्रीक मीन्स यूनान के स्कल्पचर मूर्तियाँ, रोमांटिक प्रेजेंट ऑफ आर्ट, ठीक है। और हिगल ने ललित कलाओं को 5 ड्यूरेशंस बताए थे, जिसमें से सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर इन्होंने पोएट्री को रखा, दैट मीन्स काव्य को, और सबसे लोएस्ट पोजीशन पर आर्किटेक्चर को रखे थे, दैट मीन्स वास्तुकला को। हिगल का कोटेशन रहा है भौतिक करके कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ फिजिकल थ्योरी आपको याद दिलाऊंगी कि जब भी हिगल का कोटेशन आएगा तो फिजिकल थ्योरी या फिर भौतिक सत्ता, ये वाला टर्म जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। इस टर्म से आप कैप्चर कीजिएगा कि ये हिगल का कोटेशन है। यक्षिचंद्र कहाँ से प्राप्त है? सांची, भरहुत, अमरावती या फिर सारनाथ? यक्षिचंद्र भरहुत से प्राप्त है, भरहुत की खोज कनिंघम ने की, सुंग काल का है। मोटी एवं नाटी मानवकृतियाँ किस शैली की विशेषताएं हैं? किशनगढ़, बूंदी, मेवाड़ या फिर मारवाड़? मोटी एवं नाटी मानवकृतियाँ मेवाड़ शैली में चित्रित की गई थी। ट्री लवर, वृक्ष प्रेमी, चित्र किस चित्रकार का है? सुधीर रंजन खास्तगीर, विनोद बिहारी मुखर्जी, कनू देसाई या फिर यामिनी रॉय? विनोद बिहारी मुखर्जी की बहुत फेमस है ट्री लवर, हिंदी में वृक्ष प्रेमी इस पेंटिंग को कहते हैं। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे? यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्कल प्रदेश? उत्कल प्रदेश राइट आंसर। पुल पार करते हुए हाथी किसका चित्र है? दसावन, बसावन, मिस्कीन या फिर मंसूर? बसावन की बहुत फेमस पेंटिंग है पुल पार करते हुए हाथी। क्यूरस क्यूरो की शुरुआत किसने की थी? क्यूरस क्यूरो एक लाइट एंड शेड होता है, छाया प्रकाश, इसकी शुरुआत लियोनार्डो दा विंसी ने किया है। और तूती नामा ग्रंथ है, मुगल एज में इसमें चित्रकार मतलब ये ग्रंथ को कैप्चर किया गया है। तूती नामा में 103 पेंटिंग है और सर्वप्रथम क्यूरस क्यूरो टेक्निक का यूज़ किया गया था। नौरंग पाल तथा सोना मतासी किस शैली के चित्रकार हैं? थंका, पाल, बंगाल या फिर जैन? नौरंग पाल सोना मतासी थंका शैली के चित्रकार हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खानम खाना, फरूख बेग या फिर गुलबदन बेगम? हुमायूं नामा की रचना स्वयं उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने की। हमजा नामा के प्रथम 4 खंडों का पर्यवेक्षण किसने किया? अब्दुल समद सिराजी ने, मीर शहद अली ने, मनोहर ने या फिर बसावन ने? हमजा नामा के 4 खंड, हमजा नामा में टोटल 12 खंड हैं, जिसमें से 4 खंड मीर सैयद अली ने चित्रित किए हुमायूं के टाइम में। अगर टाइम पूछा जाए किसके समय में, हुमायूं के समय में
मीर सैयद अली ने किए, और जो बच्चा आठ खंड था वो अब्दुल समद सिराजी ने अकबर के शासनकाल में किए चित्रित। भारी कद छोटा मुखमंडल के शैली की विशेषताएं हैं। मंडी, चंबा, कुल्लू या फिर जम्मू, कुल्लू शैली की विशेषताएं हैं। भारी कद व छोटा मुखमंडल, छोटा मुखमंडल। रंगों का इंजीनियर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रंगों का इंजीनियर हेनरी मैटिस, निकोलस रोरिक, अब्दुल रहमान चुगताई या शैलोज मुखर्जी। रंगों का इंजीनियर कहा जाता है हेनरी मैटिस को, रंगों का जादूगर कहा जाता है निकोलस रोरिक को, और रंगों का सम्राट कहा जाता है अब्दुल रहमान चुगताई को, और रंगवादी कलाकार कहा जाता है शैलोज मुखर्जी को, और फावादी कलाकार भी शैलोज मुखर्जी को ही कहा जाता है। कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? नृत्य चित्र बेसिकली डांसिंग के लिए, बताइए। पंचमढ़ी, अलनिया, लुखनिया या फिर बेल्लारी? लुखनिया। किस नदी के किनारे है? कमेंट कीजिए। गरई नदी के किनारे, और ये पार्ट किसका है? मिर्जापुर का, मिर्जापुर का पार्ट है लुखनिया। 1934 में सितनवासल गुफा की खोज किसने की थी? टीएस गोपीनाथ, प्रोफेसर रुबेल, शिवराम मूर्ति या फिर मेजर फोरस ने। 1934 में सितनवासल गुफा की खोज जो जैन धर्म से संबंधित है, प्रोफेसर रुबेल ने किया। टीएस गोपीनाथ ने सितनवासल की गुफा को सर्वप्रथम देखे थे, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? शेप, सिंधु सभ्यता का जो शेप है वो कुछ इस तरह का है। तो ये कौन सा शेप हुआ? ट्रायंगल, मीन्स त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व स्थल कौन सा है? पूर्व स्थल पूछ रहा है ये वाला, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पहले पूर्व स्थल कमेंट कीजिए कौन सा वाला है, उसके बाद पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन कौन सा लोकेशन है वो बताइए। पहला है दायमाबाद, दूसरा है मांडा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है आलमगीरपुर, और चौथे नंबर पर आ जाता है बलूचिस्तान। सो विच वन इज द राइट आंसर, कौन सा वाला सही होगा? सो राइट आंसर इज सी, आलमगीरपुर। ये वाला पूर्वी एरिया जो है आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे। अगर पूछा जाए नदी कौन सी है तो हिंडन नदी है, हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट है पश्चिम, पश्चिम है सुतकोटदा, दास नदी के किनारे, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। उत्तर में है मादा नदी के, मादा है चिनार नदी के किनारे, और दक्षिण में है दायमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे, दैट मीन्स महाराष्ट्र में। औरंगजेब कालीन प्रसिद्ध सुलेखक थे, कौन थे? औरंगजेब के टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। मीर अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम खानम खाना, जवाहर रकम या फिर मेरा सीम। जवाहर रकम थे औरंगजेब के टाइम में। गैदरिंग का संबंध किससे है? गैदरिंग बेसिकली होता क्या है? गैदरिंग एक घिसाई को कहते हैं, लाइक पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद जो उस पर घिसाई की जाती है, इंग्लिश में उसे गैदरिंग कहा जाता है। तो ये ताड़पत्र पे हुआ था, सूती वस्त्र पे, वसली पर, ये फिर सिल्क स्क्रीन पर, किस पर हुआ था? गैदरिंग का यूज़ किया जाता था वसली पर, और गैदरिंग की जो शुरुआत हुई है ये मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग मुगल टाइम से हुई है, ठीक है, मुगल एज से। तुजुके आशिफी नामक ग्रंथ कहाँ चित्रित है? तुजुके आशिफी, गोलकुंडा, जयपुर, अहमदनगर या फिर हैदराबाद। तुजुके आशिफी हैदराबाद में चित्रित किया गया है। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत, गोल्डन सेक्शन, ये रूल किसने दिए? गोल्डन सेक्शन का रूल दिए थे भानुदत्त ने, यूक्लिड ने, भरत मुनि ने या एरिस्टोटल। और जिन्होंने दिए हैं ये रूल वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लिश में कहा जाता है गोल्डन सेक्शन, गोल्डन सेक्शन, ठीक है। और ये रूल यूक्लिड ने दिए हैं और बिलोंग करते हैं ग्रीक, दैट मीन्स यूनान से, यूनान से। और 2.5, 2.3
5.8 का रेशियो इन्होंने बताया है, 2.5 5.8, 2.3 नहीं होगा, 2.5 5.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले व सफ़ेद रंग को क्या कहा जाता है, ठंडा रंग, गर्म रंग, तटस्थ रंग या फिर द्वितीयक रंग। ब्लैक एंड वाइट कलर्स को कहा जाता है एक्रोमैटिक कलर्स, दैट मीन्स तटस्थ रंग, इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोमैटिक कलर, एक्रोमैटिक कलर, ओके। अच्छा, वार्म कलर कूल कलर्स को कैसे पहचानेंगे। देखिए, वार्म कलर्स वो कलर्स होते हैं जिन्हें आंखों को देख के सुकून मिले, लाइक ग्रीनरी देख लीजिए, स्काई देख लीजिए, रिवर्स देख लीजिए, ये सारे कूल कलर्स हैं, ठंडे रंग। वार्म कलर होते हैं गर्म रंग, कूल कलर्स हैं ठंडे रंग, वार्म कलर गर्म रंग है। वार्म कलर जिन्हें देख के बेचैनी हो, घबराहट हो, फॉर एग्जाम्पल आग के पास, सूर्य के पास वाले कलर्स जितने भी होते हैं, ये सारे वार्म कलर्स होते हैं। उन कलर्स की श्रेणी में रखा जाता है नारंगी हो गया, लाइक ऑरेंज, रेड, येलोइश, ये सारे कलर्स। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर, और प्राइमरी कलर जब मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रायंगल लिया, रेड, येलो और ब्लू, ये है प्राइमरी कलर। एक और ट्रायंगल लिए, रेड येलो मिक्स किए ऑरेंज बना, ब्लू येलो मिक्स किए ग्रीन बना, ब्लू और रेड मिक्स किए तो पर्पल बन गया, ठीक। ये सारे सेकेंडरी कलर्स हैं, वन प्राइमरी और वन प्राइमरी जब बने तो ये सेकेंडरी कलर्स हो गए। और टर्शियरी कलर्स प्राइमरी थ्री होते हैं प्लस सेकेंडरी थ्री होते हैं, और वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी को बनाते हैं तो 6 टर्शियरी कलर्स बनते हैं, तृतीयक रंग। जब रेड येलो मिक्स करेंगे, रेड और ऑरेंज रेडिश ऑरेंज होगा, येलो और ऑरेंज मिक्स करेंगे येलोइश ऑरेंज, येलो और ग्रीन येलोइश ग्रीन, येलो और ब्लू येलोइश ब्लू, ब्लू एंड पर्पल ब्लूइश पर्पल, और ब्लू और रेड और पर्पल रेडिश पर्पल। मतलब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी जब मिलाते हैं तो टर्शरी बनता है। तो प्राइमरी को आगे रखना है, सेकेंडरी को पीछे रखना है, जैसे रेडिश ऑरेंज इस तरह। तो ये हमारा टर्शरी कलर्स हो जाता है, दैट मीन्स तृतीयक रंग। तृतीयक रंग की श्रेणी 6 होती हैं, आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। यहाँ पे ये सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्लियर हो गए। अगर पूछा जाए कि समीपवर्ती रंग कौन से हैं, तो एक दूसरे के जो पास वाले कलर्स होते हैं उनको समीपवर्ती रंग कहते हैं। इवन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अपोजिट कलर, तो रेड का अपोजिट ग्रीन, पर्पल का अपोजिट येलो, ब्लू का अपोजिट ऑरेंज, इस तरह से आप डायग्राम बना के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार चित्रण के पिता किसे कहा जाता है, जोशिम पैटरिन, क्लाउड गौरी, रिचर्ड विल्सन या फिर अल्बर्ट ड्यूरर। रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है ब्रिटिश दृश्य चित्रकला का पिता। रंगों की मिली जुली भंगिमा को क्या कहा जाता है, जो कलर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उसे बोलते हैं वर्णिका भंग, दैट इज कॉल्ड इट कलर स्कीम। देखिए, सम भंग, अभंग, तो ये तो भंग की श्रेणी में आ जाएगी। कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, भंग, अभंग, संभंग और त्रिभंग। अद्भुत रंग कौन से होते हैं, अद्भुत रंग लाल होते हैं, पीले, नीले या फिर सफ़ेद। अद्भुत रंग जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, अद्भुत नेम से ही लग रहा है। नेक्स्ट है, दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। दृश्य कला जो हम अपने आँखों से विजुलाइज करते हैं, लाइक कि हमारी आइज है, उसके थ्रू जब हम कोई कलर्स देखते हैं, चलिए बताइए आप दृश्य कला से देखिए, उसकी सबसे छोटी इकाई एक बिंदु होती है, डॉट, ठीक है। कौन सा राइट हो जाएगा, सी, बिंदु। अब इस बिंदु से, जैसे 2 बिंदु है, फिर इनको कंपोज करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ये हमारी रेखा हो जाती है, ठीक है। रंग की शुद्धता का परिचायक है, रंग की शुद्धता का परिचायक, दैट मीन्स प्योरिटी। मान, संघनता, तान या फिर रंगत, रंग की शुद्धता, संगनत। कपड़े पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, पंचतीर्थ, पटकथा, निषिद्ध चूड़ी, कथा सरस सागर या फिर बसंत विलास। कपड़े पर चित्रित ग्रंथ है बसंत विलास। किसने चित्रित किया, बाल, नहीं मतलब कौन इसके लेखक है, बालचंद्र सूरी। और टोटल 79 पेंटिंग्स है इसमें, बसंत विलास में। कला निधि पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, कला निधि पत्रिका का प्रकाशन होता है, देखिए पाल शैली का है ये कला निधि पत्रिका, जिसमें मोती चंद्र खजांची ने 13 प्रकार की विशेषताएं बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक।
ये प्रकाशित होती है मुंबई सॉरी वाराणसी वाराणसी बनारस से, ठीक है। कलानिधि पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती है। पाल शैली के 12-13 कैरेक्टरिस्टिक को बताए हैं मोतीचंद खजांची ने। मालवा शैली किन किन शैलियों का मिश्रण है? मालवा शैली राजस्थानी प्लस मुगल, ईरानी अभ्रंश, दक्षिणी राजस्थानी या फिर निम्न में से कोई नहीं। मालवा शैली का जो मिक्सचर रहा है वो ईरानी प्लस अभ्रंश का मिक्सचर था। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है? जौनपुर, गुजरात, फतेहपुर या फिर मांडू। रानी रूपमती का महल मांडू में स्थित है। गोलकुंडा की स्थापना कब हुई थी? 1489, 1512, 1419 या फिर 1526। गोलकुंडा की स्थापना हुई थी 1512, 1512 में। दूती द्वारा वधू का मार्गदर्शन चित्र किस शैली का है? दूती द्वारा वधू का मार्गदर्शक हैदराबाद शैली में चित्रित किया गया था। हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना कब की है? 1530, 1540, 1555 या फिर 1533। हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना 1533 1533 में की है। अजारा की ओवरी तथा मोती महल के भित्ति चित्र किसने बनाए थे? अजारा की ओवरी तथा मोती महल के भित्ति चित्र बक्ता ने, कमला ने, बैजनाथ ने या फिर चौखा ने? चौखा ने बनाए। मुगल कला की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि कौन सी है? हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि जिसमें सिग्नेचर मिलता है, तूतीनामा, खमशा निजामी, दीवान हाफिज या फिर खानदान तैमूरिया। दीवान हाफिज प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि है और खमसा निजामी में सर्वप्रथम शिकार युक्त हाशिए मिले हैं और तूतीनामा में सर्वप्रथम क्यूरस्क्यूरो टेक्निक का यूज किया गया है। शिकार दृश्य से युक्त हाशिए सर्वप्रथम किस चित्र में, किस ग्रंथ में मिलते हैं? खमसा निजामी। कुलीन महिलाएं चित्र किसका है? बताना है कौन से आर्टिस्ट की पेंटिंग है कुलीन महिलाएं और किस केव में यूज किया गया है कुलीन महिलाओं की पेंटिंग, किस केव में बनाई गई है? सिगिरिया केव जो श्रीलंका में है, सिगिरिया केव वहाँ पर कुलीन महिलाओं की पेंटिंग्स बनाई गई है। टोटल 21 कुलीन महिलाओं का चित्र है और आधुनिक कलाकार राजा रवि वर्मा ने कुलीन महिलाएं पेंटिंग बनाए हैं। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? केस कुलकर्णी ने, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर या डी पी राव चौधरी। भारतीय चित्रों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया है। खानदाने तैमूरिया किस संग्रहालय में संग्रहित है? चिस्ट ब्रिटिश संग्रहालय डब्लिन में, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। कहाँ पर है खानदाने तैमूरिया? खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है। जेम्स स्टोरी भारत कब आए थे? जेम्स स्टोरी भारत आए थे 1583 में, अकबर के टाइम में। कलमकारी कहाँ की लोक कला है? कलमकारी कहाँ की लोक कला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तंजौर। कलमकारी आंध्र प्रदेश की फेमस फोक आर्ट रही है जो क्लॉथ पे की जाती है। जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ वनस्पति एवं पशु पक्षी चित्रकार कौन से आर्टिस्ट थे? मिस्कीन, मोहम्मद नादिर, मंसूर या फिर विचित्र। मंसूर थे। कालीघाट चित्र शैली को बाजार शैली नाम किसने दिया? एम एस रंधावा, डब्ल्यू जी आर्चर, जे सी फ्रेंच। कालीघाटी चित्र शैली को बाजार शैली डब्ल्यू जी आर्चर ने नाम दिया है। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था और कब खोज हुई है कंपनी शैली की और किसने खोज की? 1943 में कंपनी शैली की खोज पीसी मानक ने की, पीसी मानक ने, ठीक है। और कंपनी शैली के अंतिम कलाकार थे ईश्वरी प्रसाद,
और प्रथम कलाकार थे सेवक राम, सेवक राम। शाहजहां ने गुड़ समंदर की उपाधि किसे प्रदान की? मोहम्मद नादी, नादिर, चिंतामणि, लाल खां या फिर फकीर उल्ला। शाहजहां ने गुड़ समंदर की उपाधि लाल खां को उपाधि ये दिए थे। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई और जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ ये भी कमेंट कीजिए। राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी 1906, 1920, 1895 या फिर 1905। चलिए बताइए, नियर अबाउट 1906 या फिर 1905। राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी 1906 में और इनका जन्म हुआ था 1848 में केरल में, कोयम्बटूर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? लॉकवुड क्रिपलिंग, अशित कुमार हल्दर, समरेंद्र नाथ गुप्त या फिर शैलेंद्र डे। मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय थे समरेंद्र नाथ गुप्त और स्टूडेंट किसके थे? तो ये स्टूडेंट थे अवनीन्द्रनाथ टैगोर के। फोटोग्राफिक टेक्निक को कला प्रशिक्षण में जोड़ने वाला भारत का प्रथम विद्यालय कौन सा रहा? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर वनस्थली विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, लखनऊ कला विद्यालय या फिर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। सो राइट आंसर इज ए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर। भारत भवन भोपाल के वास्तुकार कौन है? नेकचंद्र शैली, ली कॉर्बुज़े, चार्ल्स कोरिया या फिर एडविन लुटियन। सो राइट आंसर इज सी, चार्ल्स कोरिया। नेकचंद्र शैली रॉक गार्डन के डिजाइनर हैं, ली कॉर्बुज़े इन्होंने चंडीगढ़ सिटी का डिजाइन किया, लुटियन संसद भवन के डिजाइनर। पारदर्शी ओढ़नी, पारदर्शी चंदेरी ओढ़नी, मेहंदी रचे हाथ, महावर युक्त पैर किस शैली के प्रमुख विशेषता रही थी? कांगड़ा, बशौली, किशनगढ़ या फिर गुलेर शैली। ये करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाएगा किशनगढ़ शैली में। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। बूंदी शैली की स्थापना कब हुई थी? बूंदी शैली की स्थापना 1625, 1342, 1857 या 1727। सो राइट आंसर इज बी, 1342। भारत भवन भोपाल के संस्थापक हैं जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी। संस्थापक पूछा जा रहा है तो जे स्वामीनाथन है, अगर अध्यक्ष पूछा जाता तो वो अशोक वाजपेयी हो जाते। भारत भवन की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, भोपाल में है। इंद्र द्वारा बुद्ध की अभ्यर्थना किस मंदिर से प्राप्त है? कोणार्क, मार्तंडे, कंदरिया महादेव मंदिर, मार्तंडे से प्राप्त है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1963, 1861, 1854 या 1972। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1861 में हुई थी। और किसने प्रथम भारत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई, दिल्ली, लंदन या फिर वाराणसी में। प्रथम भारत महोत्सव का आयोजन हुआ था लंदन में। लॉर्ड चंदा के लेखक कौन है? लक्ष्मण मणि, मुल्ला दाऊद, एस धनपाल या फिर भद्रबाहु। मुल्ला दाऊद थे और भद्रबाहु फेमस रहे कल्पसूत्र के लिए। पहला बाल फिल्म समारोह मुंबई में कब आयोजित किया गया था?
1955, 1959, 1954 या फिर 1981 पहला बाल फिल्म समारोह मुंबई में आयोजित किया गया है 1981 में। अजंता में कितने प्रकार की शैलियां हैं? 10 प्रकार, 20 प्रकार, 8 प्रकार या 3 प्रकार? 3 प्रकार की शैलियां हैं अजंता में। कौन कौन सी वो शैलियां हैं? सॉरी, रेखा शैली पूछी गई है, तो रेखा शैली 20 प्रकार की हैं। ठीक है, अगर सिर्फ शैलियां पूछा जाता तो वो 3 प्रकार की थी, जिसमें वर्णात्मक, रूप वैदिक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक एकेडमी कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर लाल बरादरी लखनऊ में? नाटक संगीत एकेडमी है न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष ग्लैडस्टोन सोलोमन, एच लॉक या फिर समरेंद्रनाथ गुप्त, बीपी रॉय चौधरी। 1954 में स्थापना हुई है, मतलब ये गठन हुआ था राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी, डीपी रॉय चौधरी प्रथम अध्यक्ष थे। गेटवे ऑफ इंडिया के डिज़ाइनर कौन हैं? और इंडिया गेट के डिज़ाइनर कौन है ये भी कमेंट कर दीजिए जल्दी से, मज़ा आ जाएगा। चलिए बताइए, इंडिया गेट के डिज़ाइनर, गेटवे ऑफ इंडिया के डिज़ाइनर हैं जॉर्ज बिटेट, और इंडिया गेट के डिज़ाइनर हैं लुटियन। चार्ल्स कोरिया भारत भवन के डिज़ाइनर हैं, ली कॉर्बुज़िए चंडीगढ़ सिटी के डिज़ाइनर हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? 1999, 1925, 1907 या फिर 1909? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी 1907। 30 विदेशी और 5 भारतीय थे, कहीं पे मिलता है 25 विदेशी और 5 भारतीय। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा, उस तरह से आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन आर्ट्स लखनऊ के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? फाइन आर्ट्स लखनऊ की स्थापना 1911 में हुई है, प्रथम प्रधानाचार्य रहे थे नथेलियन हर्ट। ठीक है, और असित कुमार हल्दर प्रथम भारतीय टीचर रहे थे लखनऊ कला विद्यालय के 1911 में, नथेलियन हर्ट, और 1925 से लेकर 45 तक असित कुमार हल्दर यहाँ पे प्रधानाचार्य थे। प्रथम भारतीय असित कुमार हल्दर हैं, और अगर पूछा जाए सिर्फ प्रधानाचार्य तो नथेलियन हर्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का अभ्यास करते हुए किस शैली का प्रमुख चित्र रहा है? उड़ीसा, नाथद्वार, कंपनी शैली या फिर कालीघाटी? संगीत का अभ्यास करते हुए कालीघाटी में चित्रित किया गया था। यवन सुंदरियों के चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर हुमायूं? यवन सुंदरियों के चित्र बनाए गए थे शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में। राजस्थानी शैली को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 2 या फिर 5? राजस्थानी शैली को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन से लाइक ये राजस्थानी शैली है और कौन कौन से वो 4 पार्ट्स हैं? मेवाड़, मारवाड़, हडौती और डूंडार। ऑल दो इसके पार्ट्स बहुत है, जैसे मेवाड़ के हो गए लाइक नाथद्वार, देवगढ़, चित्तौड़, शाहपुरा, चावंड, हडौती के कोटा बूंदी, झालावाड़, मेवाड़ के, मारवाड़ के, सबके हैं उपकेंद्र भी काफ़ी सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकार निशारदीन द्वारा चित्रित चावंड रागमाला कहाँ पर संग्रहित है? भारत कला भवन वाराणसी में, संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में, गोपी कन्नार संग्रहालय कोलकाता या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में? चित्रकार निशारदीन द्वारा चावंड रागमाला गोपी कन्नार संग्रहालय कोलकाता में है। पोर्ट्रेट ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, पोर्टल ऑफ गॉड, सॉरी, पोर्टल ऑफ गॉड, इस तरह का स्क्रॉल पेंटिंग किया जाता है जो गॉड, जैसे ये टेम्पल होता है, टेम्पल में गॉड जिस स्टैचू होता है गॉड का, उसके पीछे हैंग किया हुआ होता है पोर्टल ऑफ गॉड। पोर्टल ऑफ गॉड फेमस रहा है किशनगढ़, नाथद्वार, नागौर या बीकानेर? फेमस था नाथद्वार का।
द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? यशोधर मटपाल, डैनियल विल्सन, जी आर हंटर या फिर डी एच गार्डन? द आर्कियोलॉजी एंड द प्री हिस्टोरिक एनल्स एंड स्कॉटलैंड पुस्तक के लेखक हैं डैनियल विल्सन। मदर एंड चाइल्ड मूर्ति किसने निर्मित किया, मतलब मदर एंड चाइल्ड मूर्ति कहाँ पर है? लोअर शाही, लोअर वसई गुफा मंदिर में, विमल शाही मंदिर या फिर पीतलहर मंदिर, पाशरनाथ, ये सारे मंदिर हैं राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान माउंट आबू के। पूछा जा रहा है मदर एंड चाइल्ड मूर्ति विमल वसई मंदिर। राजस्थान का जो मंदिर है इसके लिए जैन धर्म से संबंधित है, यहाँ पे जैन स्थापत्य भी रखे गए हैं, मूर्तियाँ भी रखी गई हैं और मार्बल में बनाई गई हैं। हवा महल के वास्तुकार कौन है? बेबादल खां, लाल चंद्र उस्ता, सवाई राम सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। हवा महल के वास्तुकार थे लाल चंद्र उस्ता। निशुद्ध सुदिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निशुद्ध सुदिनी मंदिर का निर्माण प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम, विजयालय या फिर राजेंद्र प्रसाद? विजयालय ने। स्तूप प्रमुख मुख्यतः कितने होते हैं? स्तूपाज, देयर आर फोर टाइप ऑफ स्तूपा, चार होते हैं। उसके प्रमुख कितने पार्ट्स हैं? तो फोर हैं। कृष्णा झूले पर, कृष्णा ऑन स्विंग किस टाइम ड्यूरेशन का है? देवगढ़, अजमेर, बीकानेर या जयपुर? कृष्णा ऑन स्विंग बीकानेर का फेमस रहा है। गल विहार कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, नेपाल या फिर श्रीलंका? गल विहार श्रीलंका में है। कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है, ये किसका कोटेशन रहा है? सिर्फ अगर अभिव्यक्ति आ जाता एक्सप्रेशन तो वो क्रोचे हो जाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन थ्योरी क्रोचे की है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है पवित्रता की अभिव्यक्ति मीन्स प्योर आर्ट, प्योर एक्सप्रेशन, ये कोटेशन रहा था शोपेनहावर का। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवेल, स्टेला क्रैमरिश या फिर जयप्पा स्वामी? ईवी हैवेल का, अर्नेस्ट बेनिफील्ड हैवेल। मेजोटेंट की खोज कब हुई और किसने की? 1768, 1742, 1792। मेजोटेंट की खोज हुई थी 1642 में और किसने किया? लुडविंग ने, ठीक, याद रखिएगा लुडविंग ने खोज किया है, लुडविंग ने। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है किस यूनिवर्सिटी को? लखनऊ कला विश्वविद्यालय को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारत कला भवन या फिर मद्रास कला विश्वविद्यालय? इलाहाबाद विश्वविद्यालय मीन्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्व का रफेल कहा जाता है। राजा रवि वर्मा के किस चित्र पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किए थे? शाकुंतला का जन्म, शाकुंतला दुष्यंत को पत्र लिखते हुए, हंस दामयंती या फिर दक्षिण भारत का जिप्सी, ये चारों पेंटिंग राजा रवि वर्मा की बहुत फेमस है और जो डाक टिकट पे चित्रित हुआ है वो हंस और दामयंती पेंटिंग है। कांसे की गाय, ये मूर्तिशिल्प किसका रहा? स्कोपस, लिसिपस, मायरान या फिदियास? मायरान की बहुत फेमस है कांसे की गाय, इवन मायरान ने डिस्कस थ्रो भी बनाए हैं, डिस्कस थ्रो मीन्स चक्का फेंकते हुए, काफ़ी फेमस रही, एग्जाम में आई भी है कि चक्का फेंकते हुए किसका है, मायरान का। सेम क्वेश्चन रंगों का इंजीनियर, जैसा कि आप लोगों को पता है रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सॉरी इसके लिए, हेनरी मैटाइस। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? त्रिवेणी कला संगम कमल कृष्ण ने, जयप्पा स्वामी, प्राणनाथ मागो या फिर के एस कुलकर्णी ने? त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के एस कुलकर्णी ने की। रणकपुर के चौमुखा मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा, चिदंबरा का नटराज मंदिर, त्रिलोक के दीपक या फिर हजार स्तंभ? त्रिलोक के दीपक के नाम से जाना जाता है। कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया पुस्तक किसकी है? ओसी गांगुली, प्राणनाथ मागो, आनंद कुमार स्वामी या फिर पर्सी ब्राउन? कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया पुस्तक, एक सेकेंड, प्राणनाथ मागो की है, इसमें कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में जिक्र किया गया है।
अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया बुक के नोट्स के लिए, तो मैं वो भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर स्टार्ट करूंगी अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गों की लड़ाई चित्र किसकी है? एमएफ हुसैन, शाबक चावड़ा, के हैबर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉक फाइटिंग। कॉक फाइटिंग बहुत फेमस पेंटिंग है आर्टिस्ट के हैबर की। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी पेंटिंग करने का एक टेक्निक है, फोटोग्राफी का एक फिल्टर है, या फिर आर्टिस्ट की पेंटिंग का नीलामी कर रहा है, या हैंडमेड पेपर। क्रिस्टी बेसिकली कलाकृतियों का नीलामी कर रहा था। ग्रुप 1819 की स्थापना किसने की? के हैबर, प्रदोष दास गुप्ता, जे स्वामीनाथन, या फिर एन एस बेंद्रे। और कब हुई है ग्रुप 1819 की स्थापना? ग्रुप 1819 की स्थापना 1962 में हुई है, और किसने किया? जे स्वामीनाथन ने। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन देने वाले डिजाइनर कौन थे? राजदीप घोषाल, यशवंत चौधरी, डी उदय कुमार। देखिए रुपए के जो प्रतीक डिजाइनर थे वो डी उदय कुमार थे। आधुनिक मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? डीपी राव चौधरी भी फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं, प्रदोष दास गुप्ता भी। रामकिंकर बैच क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आधुनिक मूर्तिकला के जनक। आधुनिक मूर्तिकला के जनक कहे जाते हैं रामकिंकर बैच। प्रसिद्ध चित्र उत्कल बंधन, उत्कल बंधन किस शैली का है? कांगड़ा, बसौली, गुलेर, या फिर चंबा। बसौली शैली का बहुत फेमस रहा है उत्कल बंधन। सांथाल फैमिली, सांथाल परिवार, ये मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई और ये मूर्ति किसकी है ये भी कमेंट कीजिए। पत्थर, काश्य, टेराकोटा, या फिर सीमेंट। सीमेंट और कंक्रीट में बनाई गई है सांथाल फैमिली, बहुत फेमस है राम किंकर बैज की। लखनऊ कला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रथम छात्र कौन थे? जयकृष्ण अग्रवाल, मदनलाल नागर, वीरेश्वर सेन, या फिर ललित मोहन सेन। एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड हुए थे ललित मोहन सेन। 1911 में स्थापना हुई और इनके टीचर थे नथेलियन हर्ट। डालचंद्र किस शैली के चित्रकार हैं? डालचंद्र को बताना है किस शैली के चित्रकार हैं। डालचंद्र बेसिकली फेमस रहे थे कोटा शैली, अलवर, या फिर जोधपुर। जोधपुर शैली के काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं डालचंद्र। राग दीपक चित्र कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में, इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन बनारस में, या फिर भारत भवन भोपाल में। राग दीपक भारत कला भवन बनारस में है, और राग भैरव कहाँ पर संग्रहित है? राग भैरव संग्रहित है इलाहाबाद संग्रहालय में। ये दोनों बूंदी शैली का है। दोपहर की चिलचिलाती धूप छाओं, भीम और जरासंध चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किए थे? जॉर्ज किट ने। चोलामंडल ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? टाइम ड्यूरेशन बताना है, किसने स्थापना किया चोलामंडल ग्रुप का? केसियस पानिकर ने। कब किए थे? 1968, 1967, 1966, या फिर 1970। चोलामंडल ग्रुप की स्थापना हुई 1966 में केसियस पानिकर के थ्रू। ईवी हैवेल का जन्म कब हुआ था? 1888, 1875, 1861, या फिर 1848, 1861 में हुआ था। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ किसकी पुस्तक है? फ्यूरर की, भक्त दर्शन, मुकुंदीलाल बैरिस्टर, या फिर मोलाराम। ये फेमस पुस्तक रही थी भक्त दर्शन की। रागिनी सौरथी किस शैली का चित्र है? रागिनी सौरथी सिख शैली, बिलासपुर शैली, पुंछ शैली, या फिर जम्बू शैली। रागिनी सौरथी फेमस रहा है बिलासपुर शैली का। किस देवता की सर्वाधिक मूर्तियां शयन मुद्रा में मिलती हैं? शिव जी की, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, या बुद्ध जी की।
विष्णु जी की मिलती है। सो फाइनली आज की क्लास में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन आपने अगर लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।